हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश। अगर आपको बोलना हो कि मैं चाहता हूँ कि इस काम को मैं करूँ, अगर बोलना हो कि मैं चाहता हूँ कि इस काम को तुम करो, कैसे बोलेंगे? मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं चाहता हूँ तुम डॉक्टर बनो, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? मुझे बतलाओ वो आजकल कहाँ रहता है, मैं बतलाता हूँ वो आजकल कहाँ रहता है। इस तरीके का टोटल 10 स्ट्रक्चर्स आपको बतलाने वाले हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में, राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जिसके पास धैर्य और साहस नहीं है वो कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। जो 10 मिनट्स रुक नहीं सकता वो और आगे कहाँ रुकेगा, क्या करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातों को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, दिक्कत हो तो पूछिए। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे सवाल भी करेंगे। ज़रूरी है ये जानना कि आप कितना सही से सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि आप सीखेंगे उसी से हमारी सेटिस्फैक्शन होगी, हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सही जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि रोज़ आपको हमारे वीडियो अपलोड्स की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है और वो है आई वांट टू। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आप बोल सकते हैं ही वांट्स टू, यू वांट टू, मतलब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ में यहाँ पर वांट्स हो जाएगा और बाद वाक्य में वांट ही रहेगा। इसके साथ में हम वी वांट का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इतना याद रखेंगे आप। जैसे अगर इसका मीनिंग जानना चाहें तो मैं करना चाहता हूँ, अगर आप खुद किसी काम को करना चाहते हैं तो करना चाहता हूँ, अगर आप खुद कोई काम करना चाहते हैं, आई वॉन्ट्स टू ज्वाइन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कम ऑन टाइम डेली, और मैं रोज समय पर आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिसन टू हिम केयरफुली, और मैं उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, और मैं कुछ देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। आप निगेटिव बोल सकते हैं, जैसे आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस वर्क, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव बोला हो तो डू यू वॉन्ट टू, ऐसे करके बोलेंगे। उसी प्रकार अब देखते हैं आई वॉन्ट यू, पहले हम बोल रहे थे कि आई वॉन्ट टू, अब बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट यू टू, कैसे? अब यहाँ पर भी वी वन का यूज करेंगे और तुम करो, इसका मीनिंग होगा तुम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम करो, क्या क्या करो, देखिए आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखें। आई वॉन्ट यू टू स्टे हियर फॉर टू डेज, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ 2 दिन के लिए ठहर जाएं। आई वॉन्ट यू टू वेट फॉर मी आउटसाइड, मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर मेरा इंतजार करो। आई वॉन्ट यू टू बी साइलेंट हियर, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ शांत रहो। आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी अटेंटिवली, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। तो पहला क्या था कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ, दूसरा यहाँ पर क्या है कि आप कोई काम को करें, मैं ये चाहता हूँ। उसी प्रकार आप देखते हैं यहाँ पर आई वॉन्ट टू बी, अगर सब्जेक्ट खुद कुछ बनना चाहता है तो वहाँ पर सब्जेक्ट बोलेगा आई वॉन्ट टू बी, तो बनना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ। अगर आप खुद कुछ बनना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी। अब यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे आई वॉन्ट टू बी योर ट्रू फ्रेंड, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ पॉलिटिकल नाउ, और पॉलिटिकल मीन्स होता है राजनीति से दूर रहने वाला व्यक्ति, गैर राजनीति व्यक्ति को अपॉलिटिकल बोलेंगे, अपॉलिटिकल। आई वॉन्ट टू बी साइलेंट ऑन पॉलिटिक्स, और मैं राजनीति पर शांत रहना चाहता हूँ, चुप रहना चाहता हूँ, राजनीति के विषय में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। I want to be a social reformer, और मैं समाज सुधारक बनना चाहता हूँ, तो मैं खुद बनना चाहता हूँ, तो I want to be। अब क्या है, अब देखते हैं I want you to be, अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम बनो,
तो फिर कैसे बोलेंगे? तो आई वॉन्ट टू बी अ गुड लिसनर, मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे श्रोता बनो। अच्छे श्रोता का मतलब है किसी बात को गौर से सुनने वाला, समझने वाला। तो आई वॉन्ट यू टू बी अ गुड लिसनर, मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छा श्रोता बनो। आई वॉन्ट यू टू बी वेल डिसिप्लिन, और मैं चाहता हूँ कि तुम अनुशासित रहो, तुम अनुशासन में रहो। आई वॉन्ट यू टू बी अ जेंटलमैन, मैं चाहता हूँ कि तुम सभ्य व्यक्ति बनो। तो आप देखिए कितने बेहतर तरीके से सीख रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं बनूँ, और दूसरा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बनो। तो ये दोनों तरीके के सेंटेंस को आप बना सकते हैं। निगेटिव भी उसी प्रकार से होगा, आई डोंट वॉन्ट, ही डजेंट वॉन्ट होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि लेट मी नो या फिर आई लेट यू नो। तो पहले हम देखते हैं लेट मी नो का मतलब है मुझे बतलाओ, मुझे बतलाओ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बतलाओ यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानने के लिए। जैसे लेट मी नो व्हेयर यू लिव, मुझे बतलाओ कि तुम कहाँ रहते हो। बिल्कुल सिंपल। लेट मी नो व्हेयर सी कम्स, व्हेन सी कम्स, मुझे बतलाओ वह कब आती है। लेट मी नो व्हाट यू थिंक, और मुझे बतलाओ तुम क्या सोचते हो। तो जरूरी तो है, ये बिल्कुल आसान भी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, लेकिन इसके बाद ये जानना है कि आई लेट यू नो, और इसी तरीके से और भी कई स्ट्रक्चर्स। चलिए अब इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आई लेट यू नो, मैं आपको बतलाता हूँ ऐसे। तो हम लिखेंगे मैं बतलाता हूँ, यानी कि किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई लेट यू नो। जैसे आई लेट यू नो वेयर आई लिव, मैं आपको बतलाता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। आई लेट यू नो हाउ टू ऑपरेट इट, आपको बतला दूँ कि इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। आई लेट यू नो व्हेन आई कम हियर, मैं आपको बतलाता हूँ कि मैं यहाँ कब आता हूँ। आई लेट यू नो हु इज योर एनिमी, और मैं आपको बतला दूँ कि आपका दुश्मन कौन है। आई लेट यू नो ही इज नॉट ऑनेस्ट, और मैं आपको बतला दूं कि वह ईमानदार नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, बस इसे जुबान पर रखने की ज़रूरत है। उसी तरीके से अब नेक्स्ट देखते हैं ही इज आफ्टर। अगर इस ये फ्रेज के रूप में है, टू बी आफ्टर का मतलब होता है टू बी आफ्टर, याद रखेंगे टू बी आफ्टर। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पर इज आर एम वाज एंड वर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग होगा किसी के पीछे पड़ जाना, किसी के पीछे पड़ जाना। लिखते हैं पीछे पर जाना। जैसे ही इज आफ्टर मनी नाउडेज, वह आजकल पैसा के पीछे पड़ा हुआ है, वह आजकल पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। ही इज आफ्टर माई लाइफ नाउ, अब वह मेरे जीवन के पीछे पड़ा हुआ है, अब वह मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं ही इज आफ्टर अ पिक पॉकेट, आफ्टर अ पिक पॉकेट मतलब ये हुआ कि वह किसी पॉकेट मार के पीछे पड़ा हुआ है। ही इज आफ्टर अ थीप, वह किसी चोर के पीछे पड़ा हुआ है। या ही इज आफ्टर हीज गर्लफ्रेंड, मतलब अपने गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ है। किसी के पीछे पड़ा हुआ होना, किसी के पीछे पागल होना, ये दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ही इज आफ्टर मनी नॉलेज, वह आजकल पैसा के पीछे पागल है, तो इसे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है एट वॉट टाइम डू यू, अब किसी से समय पूछते हैं कि तुम कितने बजे इस काम को करते हो। तो बस एक स्ट्रक्चर को जुबान पर सेट रखिए, जैसे एट वॉट टाइम डू यू, और उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, मीनिंग होगा किस समय, क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि तुम किस समय इस कार्य को करते हो। तो एट वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम सवेरे कितने बजे जागते हो, तुम सवेरे कितने बजे उठते हो। एट वॉट टाइम डू यू सिट फॉर स्टडी इन द इवनिंग, तुम शाम में कितने बजे पढ़ते हो या पढ़ने के लिए बैठते हो। एट वॉट टाइम डू यू कम हियर डेली, तुम यहाँ रोज कितने बजे आते हो। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं एट वॉट टाइम डू यू गो टू बेड, तुम सोने के लिए कितने बजे जाते हो। बिल्कुल सिंपल है, किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर और ये दोनों चेंज हो सकता है। जैसे वह रोज कितने बजे आता है, एट वॉट टाइम डज ही कम हियर डेली, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हम इस हेल्पिंग वर्ब डज लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है इट सीम्स टू मी, अगर आपको कुछ लगता है, जैसे हम लिखते हैं मुझे लगता है, मुझे लगता है, क्या लगता है, तो इट सीम्स टू मी ही इज नॉट अ गुड पर्सन, मुझे लगता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है।
इट सीम्स टू मी याद रखना है, क्या याद रखेंगे आप, इट सीम्स टू मी, और उसके बाद में बस कोई सेंटेंस आप बोलेंगे। तो इट सीम्स टू मी ही इज नॉट अ गुड पर्सन, इट सीम्स टू मी इट विल रेन टूडे, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। तो इट सीम्स टू मी इट विल रेन टूडे, इट सीम्स टू मी शी विल नेवर कम, अब मुझे लगता है कि वह कभी नहीं आएगी। तो इट सीम्स टू मी शी विल नेवर कम, ऐसे बोल सकते हैं। उसी प्रकार देखते हैं ही इज लाइकली टू, अगर किसी व्यक्ति के कोई कार्य करने की संभावना है तो आप लाइकली टू का प्रयोग कर सकते हैं। टू बी लाइकली टू मतलब इज आर एम वाज और के साथ में लाइकली टू का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर लिखेंगे संभावना है किसी के कोई कार्य करने की संभावना है, जैसे ही इज लाइकली टू कम टुमारो, संभावना है कि वह कल आ जाए। ही इज लाइकली टू मीट मी नेक्स्ट डे, और संभावना है कि मुझसे अगले दिन मिले। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हुआ होगा। तो अब टाइम है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, पुलिस चोर के पीछे पड़ा हुआ है, कैसे होगा, बस दिमाग में रखना है। और अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखे आपके एक एक रिप्लाई का हम चेक करेंगे, उसे देखेंगे सही है गलत है, जरूर चेक करेंगे, जरूर पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।